अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन किचन विद किम। आज हम बना रहे हैं चिकन पोटैटो कटलेट्स और बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, स्पेशली बच्चों को बड़ी पसंद आएगी और इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिए है एक बॉल। बॉल में मैंने लिए तकरीबन आधा किलो के करीब बॉयल किए हुए आलू और उसको मैंने मैश करके रख लिया है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ आधा किलो करीब चिकन, वो भी मैंने चिकन को बॉयल करके उसको भी रेशा करके इसमें डाल दिया है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून के करीब हरा धनिया बारीक कटा हुआ और 2 टेबल स्पून के करीब जो है हरी मिर्ची भी जो है वो भी मैंने बारीक कटी हुई इसके अंदर ऐड कर दी है। अब मैंने इसके अंदर डाला है 1 टेबल स्पून के करीब काली मिर्च पाउडर, नमक हसबे ज़ायका डालेंगे। ठीक है, और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून के करीब जो है हमारा चिकन पाउडर, और इसको डालने से काफ़ी ये कटलेट्स का जो टेस्ट है बड़ा ज़बरदस्त सा आता है। सो अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसकी शेप बनाऊंगी, आप कोई सी भी शेप रख सकते हैं, भले वो राउंड शेप हो। बच्चों के हिसाब से जो है मैंने थोड़ा सा डिफरेंट शेप ले रही हूँ। देखें, इस तरीके से बिल्कुल ड्रम स्टिक की तरह मैं इसकी शेप बना रही हूँ। देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी ये शेप तैयार हुई है। तो इसी तरीके से हम सारी की सारी जो शेप है ना उस तरीके से तैयार कर लें। कोई सी भी आप स्टिक यूज़ कर सकते हैं, आइसक्रीम्स की जो होती हैं, लकड़ी की, कुछ भी लेके स्टिक को उसके इसके साथ जो है इस तरीके से आप बना सकते हैं खूबसूरत सी शेप इसकी। और अब जो है मैं इसको कर रही हूँ कोटिंग। सबसे पहले मैंने अंडा लिया है, अंडे के अंदर इसको कोट करने के बाद अब उसके ऊपर डाली हूँ मैं ब्रेड क्रम्स से इसको अच्छे से कोट कर लेंगे। और ब्रेड क्रम की अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, मैं आई बटन में इसकी भी शेयर कर दूंगी। ठीक है, सो अब ये है कि हम मैंने ऑयल गरम कर लिया था। ठीक है, मीडियम फ्लेम में मेरा ऑयल है और मैंने फटाफट इसको फ्राई कर लिया है। देखिए कितनी ज़बरदस्त से हमारे जो है चिकन पोटैटो कटलेट्स तैयार हैं और स्पेशली बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। और रोज़े चल रहे हैं, इफ्तार में भी आप लोग इसको बना के रख सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है खाने में। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ फीडबैक लाजमी दीजिएगा। हम आपके लिए इतनी मेहनत से रेसिपियाँ बनाते हैं और उसको एडिट करते हैं और शेयर करते हैं आपके लिए, सिर्फ हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। तो आप लास्ट में फीडबैक दीजिएगा और काइंडली रेड बटन पे लास्ट में क्लिक कीजिएगा। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी किचन विद क्यून में। अल्लाह हाफिज़।